आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है 2 फोर्सेस 25 न्यूटन एंड 16 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1.0 केजी। द मिनिमम एक्सीलरेशन विल बी। यहां पर हमें दो फोर्सेस गिवन है जो कि एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। तो जैसे ये एक बॉडी है और इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो इनके बीच में मतलब इस बॉडी का मिनिमम एक्सीलरेशन कब होगा? तो मिनिमम एक्सीलरेशन की कंडीशन होती है कि जब ये रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब दोनों के ये रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर मिनिमम हो। और ये मिनिमम तभी हो सकता है जब ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। मतलब हो सकता है ये वाला 25 न्यूटन वाला फोर्स लगा इस वाली डायरेक्शन में और 16 न्यूटन वाला फोर्स लगा इस वाली डायरेक्शन के अंदर। उस वाली कंडीशन में ही एक्सिलरेशन मिनिमम होगा। अगर ये 16 न्यूटन भी इधर 25 न्यूटन की साइड में हो जाता तो फिर दोनों फोर्सेस एडअप होते, पर अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो फिर ये दोनों फोर्सेस आपस में सबट्रैक्ट होंगे। तो मिनिमम एक्सेलरेशन हो गया जब ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो एक्सेलरेशन होगा फिर उस वाले केस में मिनिमम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मिनिमम फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो 16 न्यूटन 25 न्यूटन को थोड़ा बैलेंस कर देगा। तो आ जाएगा 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1 केजी। तो 25 माइनस 16 हो गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।